जहीर खान ने की प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर की जमकर आलोचना, बताया कहाँ की इन दोनों ने गलती। पूर्व पेसर जहीर खान ने भारत टीम के मौजूदा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर की जमकर आलोचना की। उन्होंने बताया कि भारत के इन तेज गेंदबाजों ने एक लेंथ पर गेंदबाजी नहीं की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन जिस तरह की गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों ने की, उसकी आलोचना भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने की है। क्रिकेट एक्सपर्ट जहीर खान ने खास तौर पर शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा पर निशाना साधा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के दूसरे ही दिन बढ़त मिल गई थी और टीम ने 256 रन देकर सिर्फ 5 विकेट ही निकाले थे। 11 रन की बढ़त पहले दिन ही मिल गई थी। प्रसिद्ध कृष्णा को फिर भी विकेट मिला, लेकिन शार्दुल ठाकुर खाली हाथ लौटे। जहीर खान ने टीम इंडिया के मैनेजमेंट की भी आलोचना की, क्योंकि उनके पास कोई प्लेइंग 11 नहीं थी। खासकर डीन एल्गर ने भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ प्रहार किया, उन्होंने 140 रन दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक बनाए। जहीर खान ने क्रिकबच पर कहा, यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन परिस्थितियों में किस लेंथ पर गेंद को हिट करना है, या तो विकेट लेने के लिए या बल्लेबाज को शांत रखने के लिए। शार्दुल और प्रसिद्ध कृष्णा आज उस लेंथ का पता लगाने में असफल रहे। जहीर खान ने आगे कहा, लंच के बाद सेशन में जब ये दोनों साथ गेंदबाजी कर रहे थे तब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने खूब शॉट्स लगाए। उस समय भारत के पास प्लान बी होना चाहिए था, या रनों की गति को रोकने के लिए फील्डिंग में कुछ बदलाव करने चाहिए थे, जिससे उन्हें मुकाबले में बने रहने में मदद मिलती। टी ब्रेक के बाद प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने एक विकेट निकाला, इससे भारत ने मैच में थोड़ी सी वापसी की थी। जहीर खान ने बताया, पिच जिस तरह का व्यवहार कर रही थी उसे देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज भारतीय द्वारा बनाए गए स्कोर को पार कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। भारतीय गेंदबाजी यूनिट दिन का खेल खत्म होने के बाद बैठेगी और इस बारे में बात करेगी कि क्या गलत हुआ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम ने पहली पारी में सिर्फ 245 रन बनाए थे, जिसमें विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल का शतक शामिल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।